तेलंगाना दौरे के बीच आंध्र प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी। तिरुपति में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, आज हैदराबाद में भी करेंगे मेगा रोड शो। उत्तरकाशी में मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्लान बी के तहत सुरंग के ऊपर 19 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग पूरी। मजदूरों को अगले 10 दिनों के लिए भेजे गए फूड पैकेट, 30 तारीख तक बाहर आने की जताई जा रही है संभावना। देश भर में मनाई जा रही कार्तिक पूर्णिमा, इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई आस्था की डुबकी, भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। बारिश के भरोसे दिलवालों की दिल्ली नहीं हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार, स्मोक की वजह से लोगों को हो रही सांस लेने में दिक्कत। ग्रैफोर्ड लागू होने के बाद भी नहीं कोई सुधार, बारिश से मिल सकती है राहत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का उत्पात, निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के दर्जन भर वाहन फूके, 50 से ज्यादा नक्सलियों ने गाड़ियों के डीजल टैंक तोड़कर लगाई आग। पुलिस थाने में महज 1 किलोमीटर दूर की घटना। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। खबर राजस्थान से है जहां बारा के प्रताप चौक नगर परिषद के सामने आधा दर्जन युवकों ने एक व्यक्ति पर लाठियों से हमला कर दिया। ये हमला पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है। घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि बाद में उसे कोटा रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये लड़ाई झगड़ा का मामला है, नगर पालिका के सामने धर्मशाला की घटना है। फरियादी है अनिरुद्ध नागर उर्फ जस्सु पुत्र किशनलाल, जाति धाकर, निवासी संस्कृत स्कूल के सामने कोटा रोड 12 का रहने वाला है, जो जेर इलाज मारपीट होने से जेर इलाज इमरजेंसी वार्ड बेड नंबर 3 पर भर्ती है। जिसके बयान लेना चाहा तो मजरू फरियादी सही बयान देने की स्थिति में नहीं है, मैं बाद में दूंगा, अभी इलाज होने दो। इस वजह से बयान नहीं ले सके हैं, सही होश आने पर बयान लिए जाएंगे, जैसी सूरत होगी वैसी कार। और वहीं पिंडवाड़ा तहसील के झाड़ोली गांव से होकर निजी फैक्ट्री में जा रही हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिसकी सूचना पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। गनीमत रही कि घटना से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी तार टूटने की घटना हो चुकी है, साथ ही ग्रामीणों ने आबादी वाले इलाके से हाई वोल्टेज बिजली की लाइन हटाने की भी मांग उठाई है। जानकारी के मुताबिक ये बिजली लाइन एक फैक्ट्री में सप्लाई के लिए जा रही है। हमारे झाड़ोली ग्राम पंचायत के जो पुराना नेटवर्क आईवे है उसके किनारे की जो 33 KV की लाइन जा रही है वो सीवेरा रोड से आगे किला बदर रोड पर जो जिधर फैक्ट्री है उस निजी फैक्ट्री के लिए लाइन खींची गई है। और कल दोपहर में जब मेघ गर्जना और बारिश हुई थी उस समय एक हादसा हो गया था, ऊपर का एक तार टूट करके वो पास में से जो घर है उनके घरों के पास में जाके वो अटक गया था। तो हमने आज इस फैक्ट्री के मैनेजर साहब और उनके जो भी वहाँ पर कर्मचारी उनके यहाँ बुलाया है, इलेक्ट्रिक बोर्ड के भी कर्मचारी को बुलाया है और मैनेजर साहब को वापस किया है कि इस ये जो आजकल जो हादसा हुआ है भविष्य में इस तरह का कोई हादसा वापस ना दोहराया जाए और इसके जो भी उसका प्रबंध है वो करें। और इस लाइन के पास में जो भी रहवासी है उनको पूरी सुरक्षा दी जाए और कंपनी के लेटर हेड पर लिख के दिया जाए कि भविष्य में अगर कोई हादसा होता है, जनहानि होती है तो उसकी तमाम जिम्मेदारी उस फैक्ट्री की होगी और पूरा हरजाना फैक्ट्री के द्वारा वहन किया जाएगा। नमस्कार, जो केरला पादरे से जो डीजी लैंड जा रही है तो उसका मैं विरोध कर रहा हूँ कि पहले भी विरोध किया था, किसी ने सुना नहीं है और अब की बार 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 हादसा होता हो रहा है और अब की बार भी हुआ है। तो मेरे जन की घर की जन हानि हो सकती है, इसका जिम्मा खुद फैक्ट्री मालिक उठाए और इसकी जिम्मेदारी रखे और प्रशासन से ये विनती है कि हमारे घर की
कुछ सुरक्षा के लिए आभारी रहे और सुरक्षा। और वहीं अलवर के वैशाली नगर थाने के अंतर्गत अंबेडकर नगर N15 में दिल्ली के हेड कांस्टेबल के घर चोरी की घटना सामने आई है, जिसके बाद कांस्टेबल ने वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज कराया है। परिवार के मुताबिक उसका बेटा दिल्ली में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, जिस वजह से घर पर ताला लगा था, जिसका फायदा उठाकर चोर नकदी और बाकी सामान चोरी करके फरार हो गए, जिसमें 10,000 रुपये नगद और अन्य सामान शामिल था। हालांकि पुलिस CCTV कैमरे खंगाल रही है ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। ये अम्बेडकर नगर है एन ब्लॉक, इसमें चोरी हो गई। कब की घटना है, क्या घटना? ये रात को 11-12 बजे की बात है। कहाँ गए थे सब लोग? ये लड़का तो ड्यूटी पे गया और वो भी जो अपने मायके गई, सोना मकान था, इसलिए इसमें चोरी हो गई। क्या क्या चोरी हुआ? चोरी हुई कुछ चांदी का जेवर था, कुछ पैसे भी थे। कितने थे? अब पैसे का मालूम नहीं कितने, 8-10 हज़ार रुपए तो होंगे ही होंगे। जेवर सामान चोरी हुआ और चांदी की पजेब थी। ये 3-4 दिन ये चीज के बारे में पता लगा। और वही खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां आदर्श नगर थाना क्षेत्र में बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 38 यात्री घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची है। ये घटना करीब सुबह की है, मतलब 4 बजे के लगभग की बात है। कोई ट्रेलर था लोडिंग जो बड़लिया पुड़िया पर चढ़ रहा था, उसी दौरान पीछे से दिल्ली से अहमदाबाद चलने वाली वीडियो कोच बस जिससे एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी स्पीड में एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कम से कम 25 से 30 सवारियों के काफ़ी चोटें आई हैं और जो बस का चालक था राकेश कुमार, उसकी मौके पर ही मृत्यु हुई। घायलों में बाकी सब लोग ठीक है, प्राथमिक उपचार करवा रहे हैं। अभी जैसे जैसे उपचार होगा, JLNH में है जितने भी ये मजरूब आप देख ही रहे हैं, जैसे जैसे भी और भी अगर कोई पीछे रह गया वो भी आ रहा है तो उसका भी इलाज करा रहे हैं। बाकी ड्राइवर की एक की मृत्यु हुई है, इसके अलावा काफ़ी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और बाकी जो यहाँ है लोग जिनको अगर एडमिट करने की स्थिति होगी तो एडमिट करवाएंगे, बाकी को नहीं तो प्राथमिक उपचार के। और चित्तौड़गढ़ में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक चित्तौड़गढ़ में बीते दिन से ही मौसम में बदलाव आ गया है। आलम यह है कि सुबह से ही आसमान में बादल छाए हैं, बूंदाबांदी के बाद देर रात तक हल्की बारिश जारी है, साथ ही तेज हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए हैं। जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने जिले में बरसात के आसार जताए हैं। खबर सिरोही से, जयपुरता अंचल में हो रही बारिश अन्नदाताओं के लिए आफत बन रही है। इससे बेमौसम बारिश ने किसानों की सौंफ की फसल के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, जिससे फसलों के खराब होने की प्रबल आशंका है। उधर आबू रोड के हीना कॉलोनी में एक नारियल के पेड़ पर बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई, साथ ही वाटेरा गाँव में बिजली गिरने की घटना भी सामने आई है, जहाँ 2 भैंसों की मौत हो गई है। और वही खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां भाई बहन के झगड़े के बीच बहन ने जहर खा लिया है, जिसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवती का शव जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। उधर पुलिस भी इस पूरे मामले की जाँच करने में लगी हुई है। कुमारी पायल डॉटर ऑफ हरिकिशन जाति मीणा, उम्र करीब 13 वर्ष, निवासी बरेर थाना राजगढ़ की सूचना मिली थी कि कल दिनांक 26/11/23 को शाम करीब 7 बजे गेहूं में डालने वाली जहरीली शराब पी लेने से स्थिति खराब होने पर GH राजगढ़ से रेफर करके GH अलवर में भर्ती हुई थी, जिसके दौरान इलाज दिनांक 27/11/23 को समय करीब सुबह 4 बजे
मृत्यु हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। परिवार वालों ने यही बताया कि कुमारी पायल गेहूं में डालने वाली जहरीली दवा। और वहीं अलवर में मोबाइल स्नैचिंग की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला अरावली बिहार थाना क्षेत्र कालीमोरी से मुगस्का के बीच हुआ है, जहां एक सरकारी शिक्षक का पैदल घूमते हुए फोन पर बात कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाश मौके पाते ही उनका फोन छीनकर भाग गए। आपको बता दें कि काफी देर तक उन्होंने आरोपियों का पीछा भी किया, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं पीड़ित शिक्षक ने पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मैं रात को कल 8 बजे करीब कालीमोरी पुलिया के उतरती मुंगसका साइड घूम रहा था, अचानक दो मोटरसाइकिल वाले आए और मोबाइल छीन कर ले गए। मैं उनके पीछे भगा, परंतु वो दिखाई नहीं दी। गाड़ी ब्लैक कलर की थी, नंबर दिखे नहीं रात्रि को। कहाँ के निवासी हो? मैं राधे नगर का हूँ, वहीं पास में। वहाँ से आप पैदल जा रहे थे? पैदल जा रहा था। कहाँ काम करते हो? मैं टीचर हूँ। गवर्नमेंट टीचर। मैं खेड़ली से। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। साथ ही इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। आपको बता दें कि बीती रात पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में भारी बारिश हुई है, जिसके चलते पारा काफी नीचे पहुंच गया है। इसी के साथ जयपुर में भी कोहरा देखने को मिला है। राज्य में साइबर क्राइम के मामले लगातार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही एक 35 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवती को इंटरनेट के जरिए लिंक भेजा गया, जिसके बाद युवती को उसी लिंक के जरिए टास्क पूरा करने के लिए कहा गया। साथ ही समय समय पर आरोपी कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाता रहा, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।